एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि प्ले इनटू द हैंड ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए प्ले इनटू द हैंड ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। प्ले इनटू द हैंड ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के चंगुल में फंस गया है, या कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के जाल में फंस गया है, यानी कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बहकावे में आ गया है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं आपके जाल में फंस गया, या मैं आपके चंगुल में फंस गया, या मैं आपके बहकावे में आ गया, तो इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हैं चंगुल में फंस जाना, बहकावे में आ जाना या जाल में फंस जाना के लिए आप कहेंगे प्ले इनटू द हैंड ऑफ, यानी इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्लेड इनटू द हैंड ऑफ यू, यानी मैं आपके जाल में फंस गया या मैं आपके चंगुल में फंस गया। हो सकता है कि आप यहाँ सोचे कि मैंने प्लेड क्यों बोला, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी यह एक गुजरा हुआ सेंटेंस है। और जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वैसे आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में कर सकते हैं। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप बोलेंगे प्ले, अगर आपका सेंटेंस रहा रही में है तो आप बोलेंगे इज प्लेइंग या आर प्लेइंग। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप बोलेंगे प्लेड, और अगर आपका सेंटेंस रहा था रही थी तो आप बोलेंगे वॉज प्लेइंग या वर प्लेइंग, और अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो तो आप शैल विल के साथ प्ले का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बात और आसानी से समझ में आ सके। अगर आपको कहना हो वह उन लोगों के चंगुल में फंस जाता है या वह उन लोगों के बहकावे में आ जाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही प्लेज इनटू द हैंड ऑफ देम, यानी वह उन लोगों के चंगुल में आ जाता है या वह उन लोगों के बहकावे में आ जाता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है प्लेज। अगर आपको कहना हो आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल प्ले इनटू द हैंड ऑफ हिम, यानी आप उसके चंगुल में फंस जाएंगे। अगर आपको कहना हो मैं धोखेबाजों के चंगुल में फंस गया या मैं धोखेबाजों के जाल में फंस गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्लेड इनटू द हैंड ऑफ चीटर्स, यानी मैं धोखेबाजों के चंगुल में फंस गया। अगर आपको कहना हो वह उन लोगों के चंगुल में फंस सकती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी मे प्ले इनटू द हैंड ऑफ देम, यानी वह उन लोगों के चंगुल में फंस सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया, कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहते हैं कोई एक इंसान किसी दूसरे के झांसे में आ जाता है या चंगुल में फंस जाता है या बहकावे में आ जाता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।